बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। लगातार उनकी ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं और आज भी सभी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठक करेंगे। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, सचिवालय में ये बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ बैठक होगी और बैठक में प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम सरकार के विजन को सबके सामने रखेंगे। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसकी शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है, जहां पर सचिव और प्रमुख सचिव भी शामिल रहेंगे, साथ ही साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे और सरकार का जो विजन रहने वाला है उसे वो सबके सामने रखेंगे। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, महत्वपूर्ण बैठक, सरकार का विजन सबके सामने रखा जाएगा कि अगले कुछ सालों में सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, बैठक को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, आज दोपहर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर लौटे हैं। इसके बाद में कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो अहम बैठक है। हाँ। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं सचिवालय में। कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है। देखिए, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित जो तमाम विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव हैं, सचिव जो है वो मौजूद है इस बैठक के अंदर। कुल मिलाकर इस बैठक का उद्देश्य है कि जो सरकार का क्या कुछ विजन है, किस विजन के साथ जो सरकार है वो चलाई जानी है, इसी को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठक ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट आप बता रहे रोशन की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, विजन पर चर्चा की जानी है रोशन, और निश्चित तौर पर इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र किया जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में ठीक तरीके से काम नहीं हुआ, तो सबसे पहले कोशिश यही होगी कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो राजस्थान में जो बीजेपी का कुल मिलाकर जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बुराने की कोशिश की गई, उसमें ये कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसको किस तरीके से अमल में लाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाले 5 सालों का क्या कुछ विजन रहने वाला है, इसी को लेकर जो ये बैठक जो है ये यहाँ पर रखी गई है सचिवालय के अंदर। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ACS हो, चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो बैठक है वो चल रही है। तो बैठक जारी है और तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिखा पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और विजन को लेकर चर्चा की जा रही है अगले 5 सालों तक किस तरीके से सरकार को कामकाज करने हैं, क्योंकि कई वादे करके बीजेपी सत्ता में वापस आई है। ऐसे में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती भी है कि उन वादों को कैसे पूरा किया जाए। रोशन, और कौन कौन से मुद्दे इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं आज की बैठक में? देखिए, जिस तरीके से जो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो देखने को मिल सकता है कि उन सभी तमाम मुद्दों के साथ साथ में क्या सरकार का विजन है। देखिए, इस बैठक का जो मुख्य जो उद्देश्य ये है, साथ ही साथ में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ 1-to-1 जो संवाद है वो हो सके, इसी को लेकर जो यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है, जो मीटिंग है अपने आप में जो अहम है वो मानी जा रही है। बिल्कुल रोशन, महत्वपूर्ण ये बैठक, और चूंकि यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद होंगे, प्रशासनिक अमला है, राज्य की जो मौजूदा स्थिति है, जो हालात हैं, उन्हें लेकर चर्चा की जाएगी रोशन, और माना जाए कि इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए, इस बैठक के बाद में जो है कि फैसलों के साथ साथ में बड़ी कहा जा सकता है कि जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी इसी लिस्ट के ऊपर टिक-टिकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटिंग के बाद में, कल भी जिस तरह 2 दिन पहले भी जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने CMO के अंदर जो बैठक जो ली है, उसके बाद में एक छोटी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिली है, जो उनके चाहे कार्यवाहक जो उनके जो जो प्रमुख सचिव लगाए गए हों, टी रविकांत, इसके अलावा तमाम जो अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति हुई। तो ऐसे में देखने को मिल सकता है कि जो बड़ा एक प्रशासनिक जो फेरबदल है, जो एक सरकार बनने के बाद में जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अभी मंत्रिमंडल गठन भी बाकी है और मुख्यमंत्री
के लिए कौन कौन काम करेगा, कौन कौन उनके अंडर में कैसे काम करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मंत्रिपरिषद में किसे किसे शामिल किया जाता है। लेकिन ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोशन, जहां पर आप बता रहे हैं कि कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद राज्य के मौजूदा हालातों को देखते हुए। रोशन, इससे पहले भी सीएम जैसे ही बने, जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया, कई बड़े फैसले लिए उन्होंने और लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, क्योंकि शायद भजनलाल शर्मा को ये पता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दावा यह भी है बीजेपी की ओर से कि अगली बार हम रिवाज बदलेंगे तो सुशासन की सरकार देनी होगी, ये बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, देखिए कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको किस तरीके से अमल में लाया जाए। जब मुख्यमंत्री ने पहली बार मीडिया के सामने ये कहा था कि बीजेपी जो सरकार है उसका सबसे पहला जो उद्देश्य है कि जो उनका घोषणा पत्र है वो अमल में लाया जाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इसके अलावा तमाम इस तरीके की जो स्थितियां थी वो उन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, एक सरकार का विजन देखने को मिले। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि 5 महीनों के बाद में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो बीजेपी के जो तमाम जो वादे किए गए हैं, जो विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, उन्हें किस तरीके से धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले, ये सबसे जो मुख्य उद्देश्य ये है। आज यहाँ पर देखिए, उसके बाद में यहाँ पर जब लौटे हैं, यहाँ पर जो बैठक चल रही है, इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल यहाँ पर केंद्रीय जो गृह मंत्री है उनसे मुलाकात करी, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा से बात करी, जो संभवतः ऐसे जो राजस्थान में जो वर्तमान में जो हालात है उनके ऊपर भी चर्चा होनी, को किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, किस तरीके से जो तमाम जो योजनाएं हैं वो धरातल तक एक अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है वहां तक पहुंच सके। और यही लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हर एक जो व्यक्ति है उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। देखिए पिछले दिनों चाहे महिला सुरक्षा की बात की जाए या फिर इसके अलावा जिस तरीके से चाहे उदयपुर कांड हो या फिर जैसे कि जयपुर में भी पिछले दिनों गोगामेड़ी जो हत्याकांड हुआ, तो कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं इस पूरे इसके बाद में प्रभावी देखने को मिला, इसके लिए किस तरीके से सुनिश्चित हो सके एक जो अच्छी जिस बीजेपी जिस विजन के साथ में सत्ता में आई है वो एक कहा जा सकता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को मिले, ये कोशिश ये रहने वाली है। इस मीटिंग का भी यही उद्देश्य है कि जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ जो वन टू वन जो संवाद है वो वन टू वन संवाद हो सके, एक जो विजन है वो धरातल के ऊपर देखने को मिले, ऐसी कोशिश जो यहाँ पर जो की जा रही है। इस मीटिंग के बाद में देखना ये होगा कि जो प्रशासनिक क्या फेरबदल की बात हो, ये जो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे क्या कुछ मीटिंग के अंदर राय, ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरोक्रेट से राय भी लिए जाएंगे रोशन और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले पिछली सरकार में हमने देखा कि कई बार ये सवाल उठते रहे कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हो रहे हैं, ऐसे में इस सरकार में ये ना हो इसे लेकर भी सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जी बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे इसी को देखते हुए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार जो तमाम जो जो ब्यूरोक्रेट है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ ये जो बैठक रखी गई है, इसमें चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा से लेकर जो तमाम विभागों के जो ACS है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन अधिकारियों के साथ जो अपने आप में जो बैठक है वो अहम यहाँ पर जो मानी जा रही है। इसके बाद में देखना ही होगा कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। देखिए कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स की मुख्यमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात होने के साथ साथ में जो विजन है उसके ऊपर जो चर्चा होगी, और एक प्रशासनिक अधिकारी भी यही चाहते हैं कि उनके साथ एक सबसे पहले औपचारिक चर्चा के बाद में जो सरकार का जो विजन है वो एक सामने रखे, किस तरीके की सरकार हो, किस तरीके का विजन हो, तो ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में संभवतः जो बड़ी जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल रोशन, तो अगले 5 सालों तक सरकार को कैसे काम करना है ये विजन मुख्यमंत्री की ओर से रखा जा रहा है, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा रोशन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और